घर के अंदर मिली कांग्रेस नेता की लाश, धारदार हथियार से हमले के मिले सबूत, हमलावरों ने बेरहमी से उतारा मौत के घाट। सागर जिले के खुरई विधानसभा के बांद्री थाना अंतर्गत ग्राम सगौनी के पूर्व सरपंच एवं कांग्रेसी नेता अशोक चौबे के खून से लथपथ लाश उनके घर के अंदर मिली। लाश पर धारदार हथियार से वार करने के भी निशान थे। आशंका है कि कल सुबह अशोक चौबे की बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारों ने घर में जाकर सोते समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर एफएसएल की टीम व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे एवं घटना स्थल व आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। ग्राम सागौनी में एक व्यक्ति है जो यहाँ भूतपूर्व सरपंच भी रहे, उसका नाम अशोक चौबे जी, उम्र इनकी 62 वर्ष के आसपास हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस के मौके पहुंची है तो हम लोगों को ये प्रथम दृष्टया मर्डर लग रहा है, उसका प्राप्त नियम हो रहा है, शव को पोस्टमार्टम भी भिजवाया गया है, अभी इसमें एक्सपेक्ट की जाए। सर कोई सुराग हाथ लगा नहीं? जी अभी एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया है और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके पर आई है, अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ होगा। अशोक चौबे क्षेत्र के जाने माने नेता होने के साथ साथ सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। अशोक चौबे लगातार क्षेत्र में सरपंच पद पर काबिज रहे। मृतक अशोक चौबे शाहपुर चौकी प्रभारी रवि भूषण पाठक के ससुर थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार घटना की वजह राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। सागर जिले के खुरई विधानसभा के बांद्री थाना अंतर्गत ग्राम सगौनी के पूर्व सरपंच एवं कांग्रेसी नेता अशोक चौबे के खून से लथपथ लाश उनके घर के अंदर मिली। लाश पर धारदार हथियार से वार करने के भी निशान थे। आशंका है कि कल सुबह अशोक चौबे की बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारों ने घर में जाकर सोते समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर एफएसएल की टीम व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे एवं घटना स्थल व आसपास के क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। ग्राम सागौनी में एक व्यक्ति है जो यहाँ भूतपूर्व सरपंच भी थे, उसका नाम अशोक चौबे जी थे, उन दिनों की 62 वर्ष के आसपास हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस के मौके पहुंची है तो हम लोगों को ये प्रथम दृष्टया मर्डर लग रहा है, उसका प्राप्त नियम हो रहा है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, अब विवेचना इस पर की जा रही है। सर कोई सुराग हाथ लगा नहीं? जी अभी एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया है और डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके पर आई है, अभी हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कह पाए। अशोक चौबे क्षेत्र के जाने माने नेता होने के साथ साथ सहयोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे। अशोक चौबे लगातार क्षेत्र में सरपंच पद पर काबिज रहे। मृतक अशोक चौबे शाहपुर चौकी प्रभारी रवि भूषण पाठक के ससुर थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार घटना की वजह राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।